दोस्तों, क्या चल है? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे, घर पे होंगे और सेफ होंगे। सो वेलकम बैक दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ माया वर्सेस ब्लेंडर के बारे में। तो दोस्तों, दोनों ही बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर हैं। ब्लेंडर भी 3D का सॉफ्टवेयर है और माया भी 3D का सॉफ्टवेयर है और मैक्स भी 3D का सॉफ्टवेयर है। बट हम आज यहाँ मैक्स के बारे में बात नहीं करेंगे, हम ब्लेंडर और माया के बारे में ही बात करेंगे। और मैं आपको पर्सनली बताऊं तो मुझे माया ही ज़्यादा अच्छा लगा है, क्योंकि उसमें जो यूवी कट करनी जो है बहुत आसान है, बहुत इजी है और बहुत स्नैपी है। यूवी बेसिकली वही होता है, जिन लोगों को नहीं पता है बता देता हूँ, एक 2D मैप होता है हमारे 3D मॉडल का, जहाँ हम उस चीज़ को कट करते हैं, एक्सपेंड करते हैं और कट करने के बाद हम उसमें टेक्सचर कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि माया ज़्यादा बेटर है या ब्लेंडर ज़्यादा बेटर है। तो दोस्तों, मैं आपको बोलूँगा, अगर आपका हाथ जो है माया पे सेट है तो आप माया पे ही रहो। अगर आप मतलब आपको 6 महीने या 7 महीने हो चुके हैं माया करते हुए, तो मैं बोलूँगा यार आप ब्लेंडर पे शिफ्ट ना हो, क्योंकि इससे क्या होगा, जो आपको जितना आपको माया में आता भी होगा वो भी आप भूल जाओगे और आप उल्टा कंफ्यूज हो जाओगे। हालांकि दोनों के जो फॉर्मेट्स हैं, दोनों की यूज़ करने के तरीके हैं सेम हैं और कुछ डिफरेंट भी हैं, तो मैं बोलूँगा कि आप जिस सॉफ्टवेयर को आप पसंद है और जो सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हो उस पर स्टिक रहो और वही यूज़ करो। सपोज़ आप ब्लेंडर यूज़ कर रहे हो 1 साल से या फिर 6 महीने से, तो मैं अगर आपको चलो 1 महीना होता है तो मैं आपको बोल सकता हूँ माया भी ट्राई कर लो या मैक्स भी ट्राई कर लो। बट अगर आपको ज़्यादा टाइम हो गया, 6 महीने या 1 साल, तो मैं बोलूँगा यार वही सॉफ्टवेयर करो और उसी सॉफ्टवेयर में मास्टरी हासिल करो, और तभी फ़ायदा है। क्योंकि आप जगह जगह भागोगे, जगह जगह सॉफ्टवेयर देखोगे तो वो नहीं है। जैक ऑफ ऑल हमेशा बहुत टफ होता है, इसलिए मास्टर ऑफ वन बनो, तो वो ज़्यादा बेटर है। तो दोस्तों, माया मैं आपको बोलूँगा कि 2020 सबसे अच्छा है और ब्लेंडर भी 2020 सबसे अच्छा है। तो दोस्तों, जिन लोगों को कंसर्न है कि वो डाउनलोड कहाँ से करेंगे, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। माया 2020 ओरिजिनल वर्जन, स्टूडेंट वर्जन है, वो आप डाउनलोड कर सकते हो। और अभी हो सकता है कि माया स्टूडेंट वर्जन को शायद जो फ्री है उसको बंद कर दे, तो कोई नहीं, एक गेट इन टू पीसी वेबसाइट है, उसमें आप कोई सा भी 3D का सॉफ्टवेयर या 2D सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हो। और ये पायरेटेड है, पहले ही बता देता हूँ, ओरिजिनल नहीं है, तो सीखने के लिए तो यार काफ़ी है, तो इस पर आप आसानी से सीख सकते हो। तो दोस्तों, अब मैं आपको यही बोलूँगा कि जिस सॉफ्टवेयर पर आपकी पकड़ है, जिस सॉफ्टवेयर पर आपका इंटरेस्ट है, आप वही करो। बट पर्सनली अगर आप मेरी राय लेते हो तो मैं माया को ही बेटर बोलूँगा, क्योंकि माया में यूवी कट करनी बहुत ज़्यादा आसान है और काफ़ी ज़्यादा स्नैपी है और काफ़ी ज़्यादा सही है। माया के मेंटल रे, वी रे और आर्नोल्ड के रेंडर काफ़ी अच्छे हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। और टेक्सचरिंग के लिए मैं आपको चलो बता देता हूँ, टेक्सचरिंग के लिए मैं आपको बता रहा हूँ ये 2-3 सॉफ्टवेयर जो हैं बेस्ट है, मैं वही यूज़ करता हूँ। क्योंकि दोस्तों, अगर आप ऐसा करोगे 10-10, 12-12 सॉफ्टवेयर करोगे यार, तो एक को कैसे ढंग से सीखोगे? तो बेहतर यही है कि एक में मास्टरी करो, और 10-12 सॉफ्टवेयर छेड़ने से अच्छा है कि एक को अच्छे से सीखो। फोटोशॉप है तो फोटोशॉप को ढंग से सीखो ना यार, क्योंकि अगर आप 10-12 सॉफ्टवेयर वो करोगे तब तो भाई फ़ायदा नहीं है ना। 10-12 सॉफ्टवेयर पर हाथ पाँव मारोगे और आपको एक भी नहीं आएगा तो उसमें फ़ायदा नहीं है। तो टेक्सचरिंग के लिए मैं आपको 3D के लिए बता देता हूँ, सब्सटेंस, मार्मोसेट और की शॉट। इसमें 2 सॉफ्टवेयर जो हैं, सब्सटेंस और की शॉट को मैं आपको पहले बता देता हूँ, देखने के लिए यूज़ होता है, उसको आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, तो ठीक है ट्राई कर लेना उसे। तो दूसरा सब्सटेंस है और मार्मोसेट है। तो भाई मैं आपको सच बता रहा हूँ गाइस, इन दोनों की जो रेंडर है ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। तो पहले मैं आपको यही बोलूँगा, ढंग से माया सीखो, ब्लेंडर सीखो और तब मार्मोसेट और क्या बोलते हैं हमारे सब्सटेंस पे आओ, और उसके रेंडर देखना यार। मैं कुछ रेंडर जो है अपने मॉडल जो बनाए हुए हैं उनके रेंडर डाल दूंगा, तो आप देखना उसके रेंडर काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप नए हो तो इस लाइन में स्कोप है यार, ऐसा मैं समझना कि स्कोप नहीं है, स्कोप बहुत ज़्यादा है। अभी लॉकडाउन है, मैं समझ रहा हूँ कि अभी लॉकडाउन है तो अभी स्कोप जो है काफ़ी कम हो चुका है। बट मैं आपको बोलूँगा कि इंडीड पे और लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल बना लो, और जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको पता होगा कि वो बहुत स्मार्ट हैं, उन्होंने अपना पोर्टफोलियो बना रखा है। तो पोर्टफोलियो इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप किसी कंपनी में जाओगे तो सबसे पहले वो आपका पोर्टफोलियो देखेंगे, और अगर उनको आपका पोर्टफोलियो पसंद आता है
तो ही वो आपको बोलेंगे कि ये बना के दिखाओ, तो ही आपको सेलेक्ट करेंगे, कहने का मतलब ये है। तो अपना कोशिश करना कि पोर्टफोलियो अच्छा रखना। और पर्सनली लास्ट में मैं आपको यही बोलूँगा कि मैं पर्सनली मैं ब्लेंडर यूज़ नहीं करता, मैं माया ही यूज़ करता हूँ 2020, और उसे ही आप यूज़ करना। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, डाउनलोड कर देना। और सबसे अच्छा मैं आपको बोलूँगा कि माया ही है। बाकी अब अगर हाँ, मैंने पहले भी कहा है कि ब्लेंडर अगर कर रहे हो तो यार ब्लेंडर पे ही टिके रहो, स्विच मत करना, एक में मास्टरी करो। अगर आपको 6-1 साल हो चुके हैं ब्लेंडर में तो आप ब्लेंडर ही करो ना यार, दोनों सेम सॉफ्टवेयर हैं, बट माया थोड़ा ज़्यादा बेटर है और कुछ नहीं है। तो दोस्तों बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ी हेल्पफुल लगी हो, थोड़ी पसंद आई हो, तो थोड़ा लाइक करना, शेयर करना। बट मेरे जो मेन ज़रूरी है, आप अपनी क्वेरीज कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। डालो कमेंट सेक्शन में, मुझे बताओ आपको कहाँ 3D में ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में जाओ, कमेंट करो, मैं आपको सारे जवाब दूंगा। और इंस्टाग्राम का लिंक भी मेरा डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे भी आप मुझे DM कर सकते हो, वहाँ पे मैं आपको सारी रिप्लाई दूंगा। दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए पीस आउट।